फ्रेट कस्टमर्स की मीट आज हमने रखी और उसमें हमने दोनों रखा, फिजिकली जो आप आए वो हमारे मीटिंग रूम में और जो बाहर थे वो भी हम अपने मीटिंग रूम में ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू उनसे बातचीत कर रहे थे। तो जो भी आयरन ओर, कोल और सीमेंट के कस्टमर थे उनके साथ डिवीजन ने उनकी समस्याओं को समझा और उनसे इंटरेक्शन किया और जो डिवीजन की अपनी पॉलिसीज हैं, खासतौर से जो नई साइडिंग हमारी खुल चुकी हैं उनके बारे में हमने उनसे बातचीत की, उनको बताया कि डिवीजन ने टोटल ये करीब 9 साइडिंग इस साल हमारी खुलने का है, जिसमें से 7 खोली जा चुकी हैं, ये प्राइवेट साइडिंग की बात कर रहे हैं, और जो हमारी पब्लिक गुड शेड है वो भी एक तरीके से बड़ी लिस्ट है जो कि अराउंड 10 है, जिसमें से आज की डेट में ऑलरेडी 7 की संख्या में खोले जा चुके हैं और बैलेंस जो है 31 मार्च तक 10 की 10 खुल जाए। तो ये मैंने उनको जानकारी दी कि आप इन पॉइंट्स को भी उपयोग कर सकते हैं, बिकॉज सरकारी वाले पे कोई भी आदमी लोडिंग कर सकता है और डिवीजन अभी अपनी कार्य को सुचारू रूप से कर रहा है और जहाँ तक पैसेंजर फ्रंट है उसमें भी टाटा से लेकर झारसुगुड़ा तक करीब 265 किलोमीटर की लंबाई में अप एंड डाउन लाइन मिला के करीब 530 किलोमीटर हो जाएगा, जिसका कि हम लोग स्पीड रेजिंग 130 kmph का इसी फाइनेंशियल ईयर में कर रहे हैं। तो उसके तहत बाकी ट्रेनों का भी आवागमन होली के आसपास बढ़ने की पूरी उम्मीद है, ऐसा हमें डायरेक्शन भी मिला है। मुझे लगता है प्रिकॉशंस के साथ हम लोगों को अपना कार्य करते रहना चाहिए। सर और कुछ बोलना है तो नया जो साइटिंग है सर, कहाँ कहाँ पर ये खुलने का है या खुल गया है, इसको थोड़ा डिटेल जी। तो ये है, जैसे मैं पहले प्राइवेट साइडिंग की बात करूँगा, प्राइवेट साइडिंग में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि प्राइवेट साइडिंग में कोई भी आदमी दूसरा भी लोड कर सकता है, अगर माल उसका है उसके लिए उसको को यूजर बन जाना होगा उनके साथ। तो ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी है और काफ़ी लोगों ने को यूजर बन के भी माल लोडिंग किए हैं। तो ये है जैसे फ्री ग्रेड एंड कंपनी बुलानी खदान में, ये 25/2/2020 में कमीशन हुई। बांसपानी आयरन ओर लिमिटेड जरौली में, ये 6/3/2020 में कमीशन हुई। रोंगटा माइंस गोवा, ये 30/7/2020 में कमीशन हुई। MSJSPL देवझर, ये PFT 6/8/2020 में कमीशन हुई। अब PFT का मतलब होता है प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल, तो ये इनको पावर होता है किसी का भी माल लोड कर सकते हैं, बसते वो आपस में उनका समझौता हो जाए। देन उड़ीसा इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक्सटेंशन इनका लाठीगटा में हुआ, ये 28/8/2020 में हुआ। रोंगटा माइंस बडविल, ये 2/9/2020 में हुआ। श्री सीमेंट फेज 1, ये 30/10/2020 में कंप्लीट हुआ, ये मोहाली मरू स्टेशन से टेक ऑफ होता है। इसके अलावा जो कार्य अभी प्रगति पर है जो मार्च में पूरा होना है, 10-5 दिन आगे जा सकता है। MS दीपक स्टील बड़ा जामदा बडविल के पास में है, सारे इनके अप्रूवल्स दिए जा चुके हैं, कार्य प्रगति में अब तेजी से है। MS जय बालाजी आयरन लिमिटेड, ये भी बड़ा जामदा बडविल में है। देन बिहार MS बिहार स्पॉन्ज आयरन मणिकुई में है। एंड BSL ये बीर नितपुर में है, ये कार्य पूरा कर लिया गया है 26/2/2021 में। तो ये 11 साइडिंग मैंने आपको प्राइवेट बताया है, इसके अलावा करीब मान के चलिए 10 का कार्य भी मैंने अप्रूवल दिया है, भिन्न भिन्न स्टेजेस पे है और ये भी कार्य कुछ प्रगति पर है, कुछ ऑलरेडी उनके शुरू होने वाले हैं। ये हमारा लिस्ट है पब्लिक गुड्स, गुड्स शेड जैसे बोलते हैं, इसमें
टाटा में कनकोर का हमने चालू किया है जो कि 23/6/2020 में नोटिफाई किया गया। देन कनकोर का राउरकेला में 16/7/2020 में नोटिफाई किया गया। देन लाइकेरा जो कि एमसीएल साइडिंग में है ये 22/10/2020 में किया गया। बरपल्ली ये भी एमसीएल साइडिंग में है 15/12/2020 में किया गया। फुलडिया जो कि टाटा बादाम पर सेक्शन में है ये 18/2/2021 में पूरा किया गया। हालिद पोखर जो कि जमशेदपुर का नेक्स्ट टाटा बादाम पार में होगा ये टारगेट 30/7/2021 का है बट मेरे को उम्मीद है कि उससे पहले ये पूरा कर लिया जाएगा, दिन और रात काम चलेगा। आरआरपी रायरंगपुर है जहाँ पे अभी ये टाटा बादाम पार में सभी 720 मीटर से ज्यादा लंबे लूप बना दिए गए, तो ये कार्य अभी प्रगति पर है, उम्मीद है कि ये मार्च एंड तक हो जाएगा। बालदा रोड भी मार्च एंड तक पूरा हो जाएगा। बरसुआ ये कार्य बड़ी मेहनत से हम लोगों ने अभी विद इन 1.5 महीने पूरा किया है, ये ऑलरेडी 8/3/2021 में पूरा कर लिया गया। देन बादाम पहाड़ इसका भी कार्य अभी प्रगति पर है और मान के चलिए मार्च एंड तक भी पूरा कर लिया जाएगा। तो ये जो मैंने करीब 10 साइडिंग बताया है ये मार्च एंड तक पूरा हो जाएगा। इसके अलावा 5 ऐसी साइडिंग है जिसमें कि अभी हम लोग प्राइवेट पार्टी के पैसे से रेलवे का गुस्सा डेवलप करेंगे। इंटरेस्ट उसका इतना ही होगा कि वो उनको भी जो हमारी इनकम होगी उसमें उनको कुछ शेयर मिलेगा। तो ये अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है जिसमें कि 5 को मैंने टॉप प्रायोरिटी में निर्णय लिया है। ये पॉलिसी अक्टूबर 2020 में आई है और उसके तहत इसको हमने आइडेंटिफाई किया है और ये 5 हैं। पहला है 15 साली बस में है तो नया लूप बनेगा और इसमें लोडिंग होगी, सारी व्यवस्था की जाएगी। वीर बिरराजपुर लाइन नंबर 6 नई बनेगी बिकॉज बिरराजपुर में बहुत सारा मटेरियल आदमी अनलोड होता है और हो नहीं पा रहा है, तो ये हमने निर्णय लिया है कि प्राइवेट पार्टी के इन्वेस्टमेंट से बनाएंगे और उसमें जो प्रक्रिया 2020 के सर्कुलर में वो फॉलो की जाएगी। रॉक्सी ये बिमलागढ़ और किरुबुरू वाली लाइन में है, रांगड़ा ये भी उसी में है और मुर्गा महादेश्वर ये डीपीएस लाइन में है। तो ये 5 और टुपाड़ी भी मान लीजिए ऐसी पॉलिसी पे आएगा तो ये करीब 6 हो जाएगा, जिसमें 5 अभी मैं अगले 10 डेज में उसको नेट वगैरह पे अपलोड कराने के लिए प्रयत्नशील हूँ। तो ये एक हमारे डिवीजन के लिए एक बड़ा बूस्ट होगा जो कि आने वाले समय में कंटिन्यूसली लोडिंग पॉइंट्स नए खुलने से मेरा ऐसा मानना है तभी हम ज़्यादा लोडिंग कर सकते हैं, जब लोडिंग होगी तो हम कैरी कर पाएंगे। और इसके अलावा ऑलरेडी डिवीजन में करीब 50 साइडिंग प्राइवेट हैं और 25 पब्लिक गुड सेट ऑलरेडी हैं, तो मेरी इच्छा ये है कि इन सबको डे एंड नाइट लोडिंग के लिए हम तैयार रखें, जैसा जैसा लोडिंग आएगा हम उसको नाइट लोडिंग के लिए फिटनेस करें। सर यात्री सुविधा के लिए भी जितने ट्रेन बंद है कब तक चले हो जाएंगे सर, जैसे इस्पात वाट बिलासपुर टाटा पे? देखिए अभी यात्री सुविधा के लिए जो हमारी चर्चा विन विन लेवल पे हुई है उसमें हमने तो स्वीकृति अपने लेवल पे दे के हेडक्वार्टर के अप्रूवल के लिए और बोर्ड के अप्रूवल के लिए भेजा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि होली पर कुछ नई ट्रेनें और इंट्रोड्यूस होंगी। आज की डेट में लगभग 50% ट्रेनें चल रही हैं तो बैलेंस ट्रेनों का भी जल्दी शुरुआत हमें मिलेगी। 28 मार्च को होली है, मुझे लगता है विद इन 1 वीक और 10 डेज पॉजिटिव मिल जाएगा। हाँ सर, स्टिल फुटबॉल हो रहा है।